पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। दो गुटों के बीच हुए जबरदस्त भिड़ंत में जमकर पथराव और आगजनी भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और अन्य 4 से 5 लोगों को जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गहन जाँच के आदेश दे दिए हैं। अकोला शहर के पुराने शहर पुलिस स्टेशन अंतर्गत बीती रात दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। सैकड़ों लोग आमने सामने होकर दहशत पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। दो गुटों के बीच हुई पथराव व मारपीट की आंधी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4-5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई वाहनों की तोड़फोड़ की गई और 4 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ कर आग लगा दी गई है। इस बीच दंगों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब पुलिस को स्थिति पर काबू पाने में सफलता मिली है। अकोला पुलिस नागरिकों से अपील कर रही है कि कोई भी अफवाहों पर विश्वास न करे। अकोला शहरामध्ये काल जी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याच्या अनुषंगाने आता पूर्ण शांतता आहे, पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे। बाहेरून पण पोलीस फोर्स मोठ्या प्रमाणामध्ये आलेला आहे, SRP आलेली आहे, पूर्ण परिस्थिती सध्या कंट्रोलमध्ये आहे। सर्वांना मी ॲडिशनल SP अकोला म्हणून ह्या ठिकाणी आवाहन करते की सर्वांनी शांतता ठेवावी, पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे, कोणत्याही अफवांवरती विश्वास ठेवू नये। कुठलीही बातमी मिळाली तर लगेच पोलिसांशी संपर्क करा, आम्ही त्या ठिकाणी सॉल्व करण्यासाठी तत्पर आहोत। या घटनेमध्ये आता जे काही नुकसान झालेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने गुन्हे दाखल करण्याची प्रोसेस सुरू झालेली आहे। आतापर्यंत 1 मयत झाल्याची माहिती पुढे येत आहे, 2 ते 3 जण जखमी आहेत आणि आमचे पोलीस कर्मचारी पण 2 लोक या ठिकाणी जखमी आहेत। अकोलेकरांना हेच आवाहन आहे की सध्या पूर्ण शांतता आहे, पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे, कोणत्याही अफवांना बळी पडू नका, अफवा पसरवू नका आणि अफवा पसरवणाऱ्यांना मदत करू नका। पूर्ण परिस्थिती कंट्रोलमध्ये आहे, पूर्ण फोर्स आलेला आहे, अकोला पूर्णपणे नियंत्रणात आहे, सर्वांनी शांतता ठेवा। घटना की जानकारी मिलते ही रात में ही भाजपा विधायक रणधीर सावरकर, विधायक गोवर्धन शर्मा, विधायक वसंत खंडेलवाल, उसी प्रकार जिले के और दूसरे जिले के भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों गुटों के काफी संख्या में लोग जमा हो गए थे। देर रात तक पथराव होता रहा। हरिहर पेट इलाके में 4 पहिया रिक्शा, 2 पहिया वाहनों में तोड़फोड़ की गई और आग भी लगा दी गई। रात में पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अकोला पुलिस में स्थिति को नियंत्रित करने में भगदड़ मच गई। राज्य के गृह मंत्री और अकोला जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस विभाग को स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाने के निर्देश दिए। भीड़ को काबू में न आता देख पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज समेत कई प्रयास किए। घटना घड़ी 10:30 ते 11 पर्यंत ही घटना आहे। आम्ही मंदिरात सुंदरकांड वाचत होतो, त्या आवाज ऐकल्याने आम्ही बाहेर आलो तो एकाएक त्यांनी दगडफेक सुरू केली आणि गाडीला पत्रा फेकी आणि जाळपोळ केली। त्या घटनामध्ये जानमालची कोणी नुकसान झाली, फक्त संपत्तीचे नुकसान झाले। हे गाडी माझी आहे सध्या, त्याची इथे तुम्ही पाहत होता किती मोठी घटना होऊ शकते। आणि हे माझे जे काका आहे त्यांची बी दुचाकी जाळली होती, त्यांचे दरवाजे उघडेन, त्यांचे घरावर पत्रे फुके, हे जे शनी मंदिर आहे तिकडे बी दगडफेक झाली। हे जवळपास 10:30 सुमारास काही पब्लिक आले होते इकडून, त्यांच्यासोबत एक पोलीस व्हॅन पण होती आणि इथून गेल्यानंतर ते लोक रिटर्न आल्यानंतर इथं गोटे फेकफाक केले आणि या गाडीला आग लावले, या इकडच्या गाड्यांना सर्वांना आग लावली। कल अमरावती से पुलिस बल के आने के बाद देर रात स्थिति पर काबू पाया गया। फिलहाल जगह जगह अकोला पुलिस तैनात है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा के आदेश पर अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है और पथराव करने वालों की तलाश जारी है। सभी नागरिकों को शांति से रहने और अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील BJP विधायक रणधीर सावरकर ने की है। घटनास्थल पर अकोला जिले के सभी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौजूद हुए और जल्द ही अमरावती जिले से भी पुलिस बल अकोला पहुंचा। अकोला जिले के पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे समेत अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, अकोला पुलिस के स्थानीय गुना शाखा प्रमुख संतोष महल्ले, पुराने शहर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक सेवानंद वानखेड़े समेत अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए परिश्रम किया। NBCN न्यूज के लिए माहिन पठान की रिपोर्ट।